हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं दोस्तों कैसे दोस्तों अपने वीवो के फोन दोस्तों हम अपने फ़ोन के स्क्रीन टाइमआउट को हम चेंज कर सकते हैं और इस सेटिंग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने वीवो के फोन दोस्तों स्क्रीन टाइमआउट को आप चेंज करना चाहते हो दोस्तों, आप स्क्रीन टाइमआउट को कैसे चेंज कर सकते हैं अपने वीवो के फ़ोन में आज की वीडियो में दोस्तों हम बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों हम अपने फ़ोन में स्क्रीन टाइमआउट कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दोस्तों फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक कर दोस्तों यहाँ पर आपको नेटवर्क सेटिंग दिखेगी, ब्लूटूथ सेटिंग दिखेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप अपने ब्राइटनेस दोस्तों यहाँ पर आप इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ करना दोस्तों डिक्रीज़ कर सकते हो। दोस्तों एडिक्टिव ब्राइटनेस ऑन कर सकते हो। आइस प्रोटेक्शन मोड सेटिंग भी दोस्तों यहीं से आप ऑन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप डार्क थीम को इनेबल कर सकते हो अपने वीवो के फ़ोन में और यहाँ से डिसेबल। दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन टाइमआउट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके फ़ोन का स्क्रीन टाइमआउट है यहाँ पर दोस्तों 15 सेकंड से स्टार्ट है दोस्तों और लास्ट 30 मिनट तक है, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। दोस्तों एग्जांपल के लिए अभी हम 15 सेकंड पे क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो अपने वीवो के फ़ोन में। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 15 सेकंड कहीं भी टैप वगैरह नहीं करना है दोस्तों, आपको 15 सेकंड यहाँ पे वेट करना है। दोस्तों आपके वीवो की फ़ोन की स्क्रीन यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी अगर आप कहीं भी टैप नहीं करोगे। तो सोच सकते हो बस 15 सेकंड होने ही वाले और हमारे फ़ोन की स्क्रीन यहाँ पे इस तरीके से ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों आपके फ़ोन की स्क्रीन भी इसी तरीके से ऑफ हो जाएगी कुछ सेकंडों बाद, मतलब 15 सेकंड के बाद अगर आप चेंज करना चाहते हो। दोस्तों आप कहीं भी अपना फ़ोन इस तरीके से रख देते हो तो दोस्तों आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक यहाँ पे 15 सेकंड के बाद ऑफ हो जाती है। और दोस्तों अगर आपके फ़ोन में आपकी वीवो की फ़ोन की स्क्रीन दोस्तों ऑटोमेटिक ऑफ हो रही है कुछ ही सेकंड में या मिनट में, तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो अपनी सेटिंग में जाके। अब तो आपको इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना है, आपको दोबारा से स्क्रीन टाइमआउट पे क्लिक कर लेना है। अब तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर सकते हो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। दोस्तों लास्ट इसमें 30 मिनट का ऑप्शन है, इसके बाद हम इसको नहीं कर सकते इंक्रीज़। दोस्तों अगर आप 1 मिनट पर क्लिक कर लेते हो और दोस्तों यहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए कहीं भी टैप नहीं करना है आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे, और दोस्तों ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन यहाँ पे ऑफ हो जाएगी। अब तो यहाँ देख सकते हो 15 सेकंड के बाद हमारे फ़ोन की स्क्रीन यहाँ पे ऑफ नहीं होगी, वो 1 मिनट के बाद ऑफ होगी। देख सकते हो दोस्तों 15 सेकंड हो ही गए हैं बस, और हमारे फ़ोन की स्क्रीन अभी भी ऑन ही है। तो दोस्तों आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। और दोस्तों आप इसको एक शॉर्टकट सेटिंग से भी यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको सर्च वाले ऑप्शन में लिखना है स्क्रीन टाइम आउट। तो जैसे आप स्क्रीन टाइम आउट यहाँ पे सर्च कर लोगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन टाइम आउट पे क्लिक करना तो डायरेक्ट आप स्क्रीन टाइम आउट के पेज पे आ जाओगे, और यहाँ पर आके आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो और इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों अगर आप चाहते हो 30 मिनट पे, मतलब काफ़ी देर स्क्रीन ऑन रहे आपकी ऐसे, तो आप इस पर 30 मिनट पे सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। दोस्तों मैं इसको 2 मिनट पे सेट कर ले रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।